मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, मैं राजेश शर्मा, सुबह के बज रहे हैं 10। आज मैं वैसे लेट हो चुका हूँ। वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि या तो मैं इवनिंग या तो मैं मॉर्निंग, वैसे जल्दी अर्ली मॉर्निंग मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो बीच बीच में मैं दोस्तों अपनी जो डेली मेरी हॉबी है एक्सरसाइज करने का, जो तरीका है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, वो भी खुली आसमान में छत के ऊपर, ताकि यहाँ पर आपको व्यू भी अच्छा देखने को मिले। और मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ कि आप लोग स्ट्रेचिंग की जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है 5-6, वो डेली करते रहें। एक्सरसाइज जो आपकी डंबल वगैरह है या जो भी आप चेस्ट के लिए रॉड वगैरह प्लेट यूज करते हैं, उससे पहले आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डेली करें। उसके बाद ही, क्योंकि हमने बॉडी को पहले वार्म अप करना है, शरीर को पूरी तरह से खोलना है, उसके बाद ही हमारे जो मसल जो होते हैं उसमें अच्छा पंप आता है। तो चलिए बाइसेप्स की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास है 8-8 kg वाले वही डंबल जो मैं डेली यूज करता हूँ। वैसे कुल्लू में तो मेरे पास 24 kg के हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर करता हूँ, और किस तरह से करनी है ये भी आपको बताता हूँ। थोड़ा ध्यान दें आप एकाग्रता से, क्योंकि गलत एक्सरसाइज ना करें आप। तो दोस्तों, ये देखिए, इस तरह से आपने डंबल रखने हैं, ये देखिए ऐसे, और अपनी जो एल्बो है इनको थोड़ा पीछे ना रखें, इस तरह से आप रखें, इस तरह से एल्बो रखने। और ये दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आप लगभग 3 सेट करें, और सीना आपका बिल्कुल आगे की ओर तना हुआ होना चाहिए, फिर इस तरीके से देखिए। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इससे ही मिलती जुलती है थोड़ी, थोड़ा आप देखें। अब हम दोनों डंबल को इकट्ठा करेंगे, ऊपर को दोनों डंबल ऊपर की ओर इकट्ठे, पहले सिंगल सिंगल किया मैंने, अब दोनों डंबल इकट्ठे, ये दोस्तों, इस एक्सरसाइज के भी आप 3 सेट करें, और 3 सेट में 12-15 रेपिटेशन करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर करता हूँ, और आपको बताता हूँ किस तरह से हम करेंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों, बॉडी में कितना अच्छा खासा पंप आ रहा है, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए इस तरीके से आप देखिए, थोड़ा डिफरेंट है इसमें, आप देखिए ऐसे, और ये डंबल आपने इस तरीके से लाना है, ये ऐसे, और ये ऐसे, इस तरह से देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इस डंबल को इस तरीके से करते हैं, ऐसे और ये ऐसे, तो ये जो ये हमारी एल्बो के पास का हिस्सा है, ये मैं आपको बोलूँ तो काफ़ी, मतलब इसमें स्ट्रेंथ आती है, और काफ़ी ये मोटा देखने को आपको मिलेगा, बहुत ही जल्दी इसका असर पड़ेगा आपको। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो देखिए, आप जल्दी ही आपको बॉडी में अच्छा खासा पंप दिखेगा। और ये देखिए, अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा मैं दोबारा से करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से, ये भी थोड़ी सी मिलती जुलती है, ये देखिए, स्लो लाना फास्ट और ले जाना नीचे को बिल्कुल स्लो। दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज
ये आप टेबल के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं और चाहे तो आप थोड़ा सा इस तरीके से भी रह सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। दोस्तों छत पर काफ़ी गर्मी थी और वैसे मैं लेट हो चुका था जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, उसके बाद थोड़ी पुशअप 10 से 15 या 15 से 20 के तीन तीन सेट कीजिए। उसके बाद आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स या थाइज की या आप चेस्ट की करना चाहते हैं, उसके बाद ही शुरू करें। ये देखिए गाइज, आप देख सकते हैं कि कितना पंप मेरे इस मसल में आया हुआ है, बाइसेप्स में। ये देखिए इस तरफ और इस तरफ भी आप देख सकते हैं। मैं अभी एक्सरसाइज के बाद जस्ट मैंने अभी प्रोटीन शेक पिया और उसके बाद थोड़े से मैंने ब्लैक जो काले चने होते हैं उनको थोड़ा सा लूँगा मुट्ठी भर, और वही 8 बादाम और 4-5 काजू मैंने भिगो के रखे हैं उनको लूँगा, और उसके बाद 1 से 1.5 बजे के बीच में मैं लंच करूँगा। लंच में मैं आपको बताऊँ कि मैंने दाल, और दाल भी ये बताऊँ आपको जो प्रोटीन वाली हो, अच्छी सी छिलके वाली, उसको लूँगा। और चपाती कम लेता हूँ और चावल भी मैं थोड़े कम लेता हूँ, परंतु जो और प्रोटीन की चीज़ें हैं उनको मैं लेता रहता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा रोटी तो नहीं खाता कि 8 से 10 खाऊं, हाँ 5 से 6 खाता हूँ। इतनी तो खानी भी पड़ेगी क्योंकि शरीर के लिए एनर्जी चाहिए और भूख भी लगेगी। दोस्तों अगर आप प्रोटीन शेक लेते हो तो मैं डेफिनेटली आपको 101% गारंटी देता हूँ कि आपको भूख थोड़ी कम लगेगी। मतलब जो आपके कार्ब्स हैं उसको आप लेने में ज़्यादा आपकी इच्छा नहीं होगी। प्रोटीन शेक से फ़ायदा है कि आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो और ग्रोथ करेंगे, डेवलप होंगे। और अगर हम ऐसे शरीर को पीटते रहें और करते रहें तो मैं आपको बताऊं जो भी हमारी मसल्स हैं वो, जिसको बोलते हैं कि बूढ़ा होना, वो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी और हमारी बॉडी भी बुढ़ापे की तरफ जाएगी। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसके बाद हमें प्रोटीन शेक या डाइट का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। एक बात दोस्तों आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 890 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, वो सब आप लोगों की बदौलत है, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ अपनी वीडियो डालता हूँ, वीडियो आपको कितनी पसंद आती है वो सब आपकी देन है, कि यहाँ तक जो पहुँचने का जो श्रेय है वो सब आपको जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मेरी डेली हॉबी है एक्सरसाइज करने का, जो रूटीन है वो मैं आपसे बीच बीच में शेयर करता रहूँगा, और नेचर और जो हिमाचल का जो ट्रेडिशनल यहाँ का कल्चर है, फूड है, वो भी आप वो मैं इस चैनल पर शेयर करता हूँ। बकायदा मैं बहुत सारी वीडियो आपको डाली हुई है और आपने मेरी उन वीडियोज़ को काफ़ी सपोर्ट किया है और देखा है, और लाइक और सब्सक्राइब मैंने देखा चैनल पर कि उन वीडियोज़ पर काफ़ी बड़े हुए हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो 890 सब्सक्राइबर जो है मेरे, वो मात्र 47 डेज में हुए हैं। 47 डेज में मैंने अचीव किए हुए, सब आपकी बदौलत है। उसके लिए बार बार मैं आपको बोलना चाहता हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। और मुझे वैसे भी बताऊँ आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। थैंक यू। जय हिंद।